पौराणिक मत यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको गंगावतरण दिन भी कहते हैं, उसको पुरी में स्नान पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन प्रभु जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। ग्रीष्म के धूप की शांति के लिए भगवान को 108 कलश से शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि बहुत ज्यादा स्नान से भगवान को बुखार आ गया, ज्वर आ गया, बीमार हो गए। थोड़ी हंसी आएगी, क्या भगवान भी बीमार होता है, भगवान को बुखार आता है? हाँ, सेवायाम लौकिकी वृत्ति ही स्नेहस्तत्र प्रयोजकः। सेवा जब करते हैं तब वहाँ लौकिक रीत से भगवान को नींद आती है, भगवान को प्यास लगी है, भगवान को भूख लगी है, ऐसा भक्त सोचते हैं, तब ही सेवा होगी। नहीं तो हम सोचेंगे निश्वसितम यस्य वेदा, विक्षितम एतस्य पंचभूतानि, चराचरम स्मितम एतस्य चराचरम, अस्य च सुप्ति महाप्रलयः। भगवान ने श्वासोच्छ्वास निकाला और वेद उत्पन्न हुए। भगवान ने देखा और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत उत्पन्न हुए। भगवान ने मंद मुस्कुराहट की और तितली, रंग विविध रंग के पक्षी, विविध रंग के पुष्प उत्पन्न हुए और भगवान सोए, महाप्रलय हो गया। इस प्रकार ज्ञान करेंगे तब तो भक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान सोते हैं तो प्रलय हो जाएगा। तो भगवान तो प्रत्येक दिन सोते हैं, भक्ति में भगवान को भूख क्यों लगे? भगवान ने ही तो पूरा जगत बनाया। भगवान को प्यास कैसे लगे? भगवान ने जल बनाया, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? इसका ऐसा ज्ञान भक्ति में नहीं चलता है। तो इस प्रकार जगन्नाथ प्रभु को स्नान करवाने के बाद बुखार आ गया, ज्वर आ गया, इसलिए अभी 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिमा स्थापित की जाती है, प्रतिनिधि के रूप में उसकी पूजा अर्चना होती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान अभी स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होने से राजमार्ग पर प्रजा को दर्शन देने के लिए भगवान निकलते हैं, यह भावना है। हाँ, सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या लक्ष्मी के स्वरूप से रुक्मिणी विराजमान रहती है, लेकिन इस यात्रा में भगवान के साथ बलराम जी और सुभद्रा जी हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। एक बार द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महारानियों ने माता रोहिणी को पूछा कि भगवान कभी कभी अचानक राधे राधे बोलते हैं। सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सब की इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया। तो आप हमें राधा और कृष्ण की, श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में अवगत करें। यहां ईर्ष्या नहीं थी, यहां प्रेम था। राधा जी जैसा स्नेह हम भी संपादन करें, इस भाव से महारानी पूछती हैं। पहले तो माता रोहिणी ने टाला, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो,
सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, क्योंकि सुभद्रा के सामने यह कथा माता जी को सुनाना नहीं था। कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से ही श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह गौरवपूर्ण दृश्य था। उसी समय अचानक नारद का आगमन हुआ और तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्रभु, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे, ऐसी प्रार्थना है। महाप्रभु ने कहा तथास्तु। बस इसलिए सुभद्रा, बलराम और भगवान की मूर्ति की यहां स्थापना हुई।